नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह बोले, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में नौसेना करेगी मदद। ग्रामीण इलाकों में फैल रही महामारी, लोगों को मदद की बेहद जरूरत। नौसेना प्रमुख ने कहा, कोई नहीं जानता कब खत्म होगी महामारी, लेकिन साहस और दृढ़ संकल्प से जीतेंगे हम। सीआरपीएफ के जवान वीरेंद्र सिंह ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास 50 मीटर गहरी खाई में गिरे व्यक्ति की बचाई जान। खाई में गिरे व्यक्ति को जवान ने पीठ पर लादकर सुरक्षित बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर आम लोग व सेना ने की जवान की तारीफ। पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव पिडी में छुट्टी पर घर आए सेना के जवान पर ससुराल वालों ने किया हमला। जवान का पत्नी के साथ चल रहा था झगड़ा। पुलिस ने पत्नी सुखविंदर कौर, ससुर जसवीर सिंह व साला आत्म सिंह सहित कई अन्यों पर किया मामला दर्ज। सूर्या ओलंपियाड में आर्मी स्कूल लैंस डाउन की छात्रा रिया कौशिक ने मारी बाजी। आर्मी मध्य कमान मुख्यालय लखनऊ की ओर से आयोजित कराई गई थी सूर्या ओलंपियाड प्रतियोगिता। गणित व विज्ञान विषय की 9000 से अधिक प्रतिभाओं ने लिया हिस्सा। आर्मी स्कूल लैंस डाउन की कक्षा 11 की छात्रा रिया बनी सिरमौर। ऑनलाइन धोखाधड़ी कर आर्मी अधिकारी के खाते से निकाले 3.5 लाख रुपए। मामून कैंट में तैनात आर्मी ऑफिसर ने दी पुलिस में शिकायत। कहा, इंडिगो एयरलाइन कर्मचारी बनकर की ठगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और अब बात करें पॉजिटिव खबर की, तो आर्मी से रिटायर्ड कर्नल इंटीग्रेटेड फार्मिंग से हर महीने कमा रहे लाख रुपए का मुनाफा। 15 लोगों को रोजगार भी दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले कर्नल प्रकाश चंद्र राणा 12 साल से कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग।